नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धोरिया। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बड़ी सियासी हलचल के बीच अब उनके सलाहकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और जो भी विवाद है उसे बहुत जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। मुस्तफ़ा ने कहा कि वो अगले विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान होगा। एनडीटीवी से खास बातचीत में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि सिद्धू को कांग्रेस नेतृत्व अच्छी तरह समझता है और वो कांग्रेस नेतृत्व से परे नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धू कई बार भावनात्मक रूप से काम करते हैं और कांग्रेस नेतृत्व इसे समझता है। इतना ही नहीं, मुस्तफ़ा ने कहा कि सिद्धू अमरिंदर सिंह नहीं है जिन्होंने कभी कांग्रेस और उसके नेतृत्व की परवाह नहीं की। सिद्धू के सलाहकार के इस बयान के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर कुछ ढीले पड़ गए हैं और वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिए गए अपने इस्तीफे को वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को सिद्धू के इस्तीफे के बाद बदले घटनाक्रम में कांग्रेस आलाकमान इस बात के संकेत दे दिए थे कि वो अब सिद्धू की मान मनोबल नहीं करेगी। किसी ने भी सिद्धू के साथ मुलाकात नहीं की। इसके साथ ही कांग्रेस नेतृत्व ने नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी शुरू कर दी। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी कड़े रुख के बाद सिद्धू के रुख में नरमी आई है। बुधवार को सीएम चन्नी ने भी सिद्धू से बात की थी और कहा था कि अगर किसी मुद्दे पर आपत्ति है तो उसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जा सकता है। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में हड़कंप मच गया और राज्य सरकार में मंत्री रजिया सुल्ताना सहित कांग्रेस संगठन के 4 बड़े नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में सिद्धू ने समझौता करने से इनकार किया था। इसके बाद बुधवार को भी एक वीडियो संदेश में उन्होंने लड़ाई लड़ते रहने की बात कही थी। आपको बता दें कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में ही नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।